क्रेन की चपेट में आने से 21 वर्षीय युवक की मौत। कागजी कार्रवाई में शव परीक्षण हुआ लेट, परिजनों ने जताई नाराजगी। नमस्कार, मैं हूं रिया पिपलीवाल, आप देख रहे हैं MP7 न्यूज। देखिए नीमच जिले की विशेष खबरें। बघाना थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले अंडर ब्रिज पर बीती रात 3 बजे के लगभग एक 21 वर्षीय युवक की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, जिसकी सूचना GRP थाने को मिली तो GRP पुलिस मौके पर पहुंची और मौके पर पंचनामा बनाकर शव को जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसकी मौत की पुष्टि की। वहीं कागजी कार्यवाही के कारण सुबह 3 बजे की घटना में दोपहर 11:30 बजे तक परिजन शव परीक्षण का इंतजार करते रहे, जिससे मौके पर परिजनों ने नाराजगी व्यक्त की। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार धर्मेंद्र पिता राजेंद्र यादव, उम्र 21 वर्ष, निवासी यादव मंडी बघाना, बीती रात रेलवे पटरी पर फोन पर बात कर रहा था, तभी वह ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई, जिसका सोमवार को शव परीक्षण कर शव परिजनों को सौंपा गया। वहीं मामले में बघाना पुलिस ने मर्ग कायम कर आगे की जांच प्रारंभ की। शहर में अधिकतर मुख्य सड़कों पर नगरपालिका द्वारा बनाए गए अमानक स्पीड ब्रेकरों के कारण आए दिन छोटी बड़ी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। ऐसा ही एक मामला सोमवार को सामने आया, जब गोमाबाई नेत्रालय से उपचार कराकर एक व्यक्ति अपनी पत्नी को बाइक पर बिठाकर घर की ओर ले जा रहा था, तभी गायत्री मंदिर रोड पर बने स्पीड ब्रेकर से जैसे ही गाड़ी गुजरी तो पीछे बैठी महिला अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। घटना में महिला के सिर पर गंभीर चोट आई है, जिसे तत्काल जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां उसका उपचार चल रहा है। जिला अस्पताल से मिली जानकारी के अनुसार शहजादी बाई पति अब्दुल वहीद, उम्र 45 वर्ष, निवासी मूलचंद मार्ग को उनके पति अब्दुल वहीद गोमाबाई नेत्रालय उपचार के लिए ले गए थे, जहां से पुनः घर की ओर लौटते समय गायत्री मंदिर रोड पर बने अमानक स्पीड ब्रेकर पर बाइक के पीछे बैठी उसकी पत्नी गिर गई, जिससे वह गंभीर घायल हो गई, जिसे जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। खबरों की अधिक जानकारी के लिए आप MP7 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। प्रवेश प्रारंभ, एडमिशन ओपन। शिक्षा के क्षेत्र में कुकड़ेश्वर का सबसे अग्रणी संस्थान छत्रपति गवर्नमेंट स्कूल कुकड़ेश्वर, शिक्षा के साथ दिए जाते हैं संस्कार। अपने बच्चों को प्रवेश दिलाकर अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बनाएं। शिक्षा ही जीवन का आधार, एक कदम शिक्षा की ओर। हमारी सेवाएं हिंदी व अंग्रेजी माध्यम, योग्य और अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, न्यूनतम एडमिशन फीस।